दोस्तों अभी हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है, 2016 का ये मॉडल है, 17 की ये रजिस्ट्रेशन है। अब दोस्तों अभी हमारे पास 2017 के मॉडल की कल्टस गाड़ी आ चुकी है दिसंबर में। तो दोस्तों अभी हमारे पास 2015 के मॉडल की एक मेरान गाड़ी आ चुकी है, और अभी आप लोग ये आप ये समझे इस गाड़ी में हमने सेल लगा दी है। ये जिस पैसों में दे रहे हैं, जिसमें काम करने वाला खरीदता है ना गाड़ी, क्या जिसमें हम खरीद के दोबारा पैसे कमा लेंगे, ठीक है, उस पैसों में आज गाड़ी दे देंगे आप लोग। तो दोस्तों अभी हमारे पास 2010 के मॉडल की एक, और दोस्तों अभी हमारे पास 2014 के मॉडल की होंडा सिटी गाड़ी आ चुकी है, और अभी आप लोग दोस्तों अभी हमारे पास 2017 के मॉडल की वेगनार गाड़ी आ चुकी है उसके बराबर। असलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज के ब्लॉग में आपका भाई दोबारा पहुंच चुका है संडे कार मार्केट, और मैंने काफी सारी गाड़ियों की वीडियो वगैरह बना ली आप लोगों के लिए, मेरान, कल्टस, सिविक, काफी सारी गाड़ियों की वीडियो वगैरह बना रही है, और कोरे की भी डिमांड आ रही थी, जो कि कोरे एक दो गाड़ियां मैंने ऐड कर दी हैं। और वीडियो पूरी देखा करें, तकरीबन 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है, तो अगर आप लोग पूरी देखेंगे, जो आप लोग गाड़ी चाह रहे हैं देखना, क्या पता वही वाली गाड़ी उसी वीडियो के अंदर हो और आप लोग वो स्किप कर देते हैं वीडियो, तो वो वाली गाड़ी मिस हो जाती है। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लिया करें। अच्छा एक बात, अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करके बता दिया करें, पता लग जाता है कि वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आ रही है, और कमेंट करके भी बता दिया करें वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, और कोई भी गाड़ी ऐड करवानी हो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिनी ब्लॉग वगैरह का एक नया चैनल बनाया है मिनी ब्लॉग का, और टिकटॉक वगैरह पे भी मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। अगर आप लोग टिकटॉक यूज करते हैं तो आप मेरा ये जो नाम है टिकटॉक पे सर्च कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लिएगा, और बस ये, और यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो दोस्तों अभी हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है, 2016 का ये मॉडल है, 17 की ये रजिस्ट्रेशन है। अभी आप लोगों को गाड़ी में दिखा देता हूँ भाई, गाड़ी हमें किस तरह से देखने को मिल जाती है। गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें आप लोग भाई, माशाल्लाह से लाइट ग्रिल आगे से, तो गाड़ी काफी अच्छी कंडीशन में दिखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं साइड से भी कंडीशन दिखा देता हूँ भाई, साइड से मैंने गाड़ी किसे रखी हुई है, तो ये काफी कंजेस्टेड जगह है, तो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ भाई, और जगह दिएगा, काफी कंजेस्टेड जगह है। खैर तो आप लोग गाड़ी की साइड की कंडीशन देख लें भाई, साइड की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, जैसे कि आप गाड़ी की बैक की भी कंडीशन देख लें, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की बैक की कंडीशन देखने को मिल जाती है। ड्राइवर साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि आप गाड़ी का ये ड्राइवर साइड वगैरह देख लें। बढ़ते हैं गाड़ी के डोरों की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डोर की कंडीशन दिखा दूँ भाई। अच्छा बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी की डोर की भी कंडीशन देख लें, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी की इंटीरियर डैशबोर्ड की, तो आप लोग गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख लें भाई, इंटीरियर डैशबोर्ड से भी हमें गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिखने को मिल जाती है माशाल्लाह से। सीट्स वगैरह देख लें, सीट्स की कंडीशन कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है आप लोग, जैसा कि गाड़ी की ये सीट्स वगैरह देख लें। और काफ़ी भाई लोग डिमांड कर रहे थे जमाल भाई, कोई अच्छी गाड़ी हो तो उस गाड़ी की वीडियो वगैरह बना के लाजमी दिखा दिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गाड़ी ज़रूर पसंद आएगी। अगर गाड़ी पसंद आती है तो आप जो भाई होंगे जिन भाई की ये गाड़ी है उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो डोर वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर देख लें, और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं पीछे की सीट्स भी दिखा देता हूँ, आप गाड़ी के पीछे की सीट्स देख लें, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे की सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम और अभी आप लोगों को गाड़ी की डिग्गी दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डिग्गी दिखा देता हूँ भाई, डिग्गी की क्या कंडीशन है, ये डिग्गी की कंडीशन है बिल्कुल कंचे पीस में भाई। और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ, और उसके बाद जिन भाई की गाड़ी होगी भाई से कॉन्टेक्ट करवा देता हूँ। बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। अच्छा बात करें गाड़ी के मेन की पट्टी की, तो आप लोग गाड़ी की मेन की पट्टी की भी कंडीशन देख लें, कुप्पे वगैरह देख सकते हैं आप लोग गाड़ी के, और इंजन रूम में आप लोगों को सही से दिखा दूँ, बैटरी वगैरह देख सकते हैं गाड़ी की, तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। सलाम भजन। वालेकुम सलाम भजन, गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता देना, कौन सा मॉडल है ये? ये मॉडल 16 का है, 17 में रजिस्ट्रेशन। 16 का ये मॉडल है, 17 की ये रजिस्ट्रेशन है। डॉक्यूमेंट सिंपल सी टैक्स से क्लियर है ये? क्लियर है बिल्कुल। एसी वगैरह वर्किंग में है? वर्किंग। अच्छा पेट्रोल सिंह जी दोनों पे, सिर्फ पेट्रोल पर? पेट्रोल पर। एक लीटर में कितना देरी होगी अंदाजा? अंदाजा 15 दे आती है। अच्छा बात करें गाड़ी की, अपना सस्पेंशन वगैरह में ओके गाड़ी? ओके। अच्छा खुदा ना खास्ता मेजर माइनर एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक हो गया। और डिमांड क्या रखी आपने? डिमांड 33 लाख रुपए। 33 लाख
कमी पेशी थोड़ी बहुत अगर कोई हमारे भाई किसी घर में से हो जाएगा। आपने नंबर शेयर कर दिएगा ताकि आपसे कॉन्टेक्ट गलत हो जाए ना। 0313 0313 3630 3630 847 847। आपका नाम? मोहम्मद अजीम। अजीम भाई लोकेशन कहाँ की, गाड़ी कहाँ मिल सकती है? ये सरजाई टाउन, ये रोजगढ़ बस्ती की तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा अजीम भाई की गाड़ी है, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी, नंबर भाई ने बता दिए। अगर आप लोगों को गाड़ी पसंद आती है या समझ में आती है या गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह चाहिए, आप नंबर पे कॉल करके डिटेल भी ले सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हमारे पास 2017 के मॉडल की कल्टस गाड़ी आ चुकी है दिसंबर महीने की, तो अभी आप लोगों को गाड़ी में दिखा देता हूँ भाई। तो बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी के फ्रंट की कंडीशन देख सकते हैं भाई। लाइट ग्रिल आगे की कंडीशन हमें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी दिखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, साइड से बहने गाड़ी कैसे रखी हुई है, तो आप लोग गाड़ी के टायर जैसा कि देख लें। और बढ़ते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, बैक से बहने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा आप लोग गाड़ी के पीछे के भी टायर देख लें भाई, पीछे के भी टायर हमें गाड़ी के ओके दिखने को मिल जाते हैं। और बात करें गाड़ी के बैक लुक की, तो आप लोग गाड़ी के बैक की भी कंडीशन देख लें भाई, बैक से भी हमें गाड़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी दिखने को मिल जाती है। और अभी मैं आप लोगों को गाड़ी के डोर दिखा देता हूँ, डोर से बहने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के डोर देख लें, अभी आप लोगों को करीब से मैं गाड़ी के डोर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी के इंटीरियर और डैशबोर्ड दिखा देता हूं भाई। अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर और डैशबोर्ड की, तो आप लोग खुद देख सकते हैं माशाल्लाह से भाई काफ़ी अच्छी कंडीशन में इंटीरियर और डैशबोर्ड हमें देखने को मिल जाता है। और बात करें गाड़ी की सीट्स की, तो आप लोग गाड़ी की सीट्स भी देख लें भाई, गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और बढ़ते हैं गाड़ी की पीछे वाली सीट्स की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे की सीट्स दिखा देता हूँ और पीछे के डोर दिखा देता हूँ। अच्छा मैं अगर वहाँ से खोलूँ, वो शायद लॉक है। तो अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे के डोर भी दिखा देता हूँ भाई, आप गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन देख लें। और बात करें गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे की सीट्स भी देख सकते हैं भाई। अच्छा यहाँ पे कोई सामान वगैरह रखा हुआ होगा, जब ये मेली लग रही है थोड़ी बहुत, लेकिन सामान वगैरह रखने की वजह से थोड़ा ये मेली वगैरह सीट्स नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। और बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की तरफ, खैर पीछे वाली सीट तो मैं आप लोगों को दिखा चुका, तो अभी बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोगों को डिग्गी में दिखा देता हूँ भाई, डिग्गी की क्या कंडीशन है। तो डिग्गी वगैरह देख लें भाई, ये गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन है भाई, और ये गाड़ी का प्रीव्यू है। तो अभी बढ़ते हैं भाई की तरफ, और भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये देख लें आपको ठेले वगैरह आ रहे होते हैं भाई, तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो बढ़ते हैं भाई की तरफ, तो भाई बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। अच्छा मेन की पट्टी की बात करें, आप गाड़ी की मेन की भी पट्टी की कंडीशन देख लें, और बैटरी वगैरह दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, गाड़ी की बैटरी वगैरह देख लें, कप्पे वगैरह देख सकते हैं आप लोग गाड़ी की भाई, इस समय गाड़ी की कप्पों की कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो बोनेट वगैरह भी देख लें। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। मजन वालेकुम सलाम। अल्लाह भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, आप बताएं। करम है मालिक का। तला भाई गाड़ी आप लाए हैं कल्टस 2017 का मॉडल है, डॉक्यूमेंट सिपल से टैक्स क्लियर है, ये हर चीज से क्लियर है सर। ये 2017 के दिसंबर की गाड़ी है और है VXL, 63,000 चली हुई है। इसमें से बम्पर कलर है, बाकी गाड़ी पूरी ओरिजिनल है। बहुत हुआ तो आप फिर भी एक आधा पीस आप पकड़ो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में गाड़ी है, नए टायर डले हुए, 63,000 माइलेज है, तो आपके सामने गाड़ी चली ही नहीं है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है कंपनी के नाम पे। ठीक है, बाकी गाड़ी के अंदर काम कुछ भी नहीं है, बल्ले और चले। ठीक होगा, अगर बात करें गाड़ी के पेट्रोल सीएनजी दोनों पे, सिर्फ पेट्रोल पर है, थ्रू आउट पेट्रोल पे। और सर इस गाड़ी का एवरेज इतना हैरान गुना है कि आप सुन के हिल जाएंगे कि 1000 CC गाड़ी है कल्टस VXL, और इसका एवरेज शहर के अंदर 18-19-20 का है। 18-19 दे जाती है इजीली। ठीक हुआ, हाईवे पे तो फिर ज्यादा देगी, हाईवे के ऊपर ये 28-29 तक जाती है। 28-29 ऑल्टो लेते हैं, और जिन्होंने फिर उसके बाद कल्टस चलाई है वो फिर ऑल्टो की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जो गाड़ी आपको 1000 CC में एवरेज ये दे रही है तो आप 660 लेके क्या करोगे। बात तो सही है, समझ में आ रही है बात। और बात करें गाड़ी की डिमांड, अच्छा टचअप वगैरह की बात करें गाड़ी में, वैसे मेरे हिसाब से पूरी ओरिजिनल है गाड़ी, फिर भी आप एक से डेढ़ पीस आप पकड़ो।
एक से डेढ़ हो सकता है, अच्छा हो सकता है भाई गाड़ी पूरी ओरिजिनल। डिमांड की बात करें तो गाड़ी की डिमांड बहुत ही रिजनेबल रखी है, 22.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ठीक है, मौके पे थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 03442155181। आपका नाम? तलहा। लोकेशन? नॉर्थ कराची। तला भाई की गाड़ी है, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अगर आप लोगों को गाड़ी पसंद आती है तो तला भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हमारे पास 2015 के मॉडल की एक मेहरान गाड़ी आ चुकी है और अभी आप लोगों को गाड़ी में दिखा देता हूं भाई, तो गाड़ी हमें किस तरह से दिखने को मिल जाती है। अच्छा, बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें, लाइट ग्रिल। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं टायर भी दिखा देता हूँ आप, जिससे कि गाड़ी के टायर देख सकते हैं। अच्छा, काफ़ी भाई लोग बोल रहे थे जमाल भाई मेहरान गाड़ी एड कर लें, और पुराने मॉडल की भी हो 2014 से लेकर 2017 या फिर 2008 से लेकर 2015 के मॉडल के दरमियान गाड़ी एड करें मेहरान। तो ये गाड़ी मुझे मिल चुकी है, मैं आप लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ। तो बात करें गाड़ी के ड्राइवर साइड की, तो आप लोग गाड़ी का ड्राइवर साइड वगैरह देख लें। बढ़ते हैं गाड़ी के अंदर लोकेशन की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी के डोर वगैरह दिखा देता हूँ, अंदर से मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा, बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी की डोर की कंडीशन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है भाई। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं सीट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, उससे पहले आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख लें। इंटीरियर डैशबोर्ड भी हमें बिल्कुल डिसेंट सा लुक देखने को मिल जाता है, और सीट्स वगैरह देख सकते हैं भाई लोग आप, सीट्स की कंडीशन कुछ इस तरह से हमें ये देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं गाड़ी की पीछे वाली सीट्स की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं पीछे की सीट्स दिखा देता हूँ। अच्छा, पीछे वाले डोरों की बात करें, तो आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर देख लें, ये हमें गाड़ी के पीछे के डोर इस तरह से देखने को मिल जाते हैं भाई। और बात करें गाड़ी की पीछे वाली सीट्स की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे की सीट्स भी देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के पीछे की सीट्स की कंडीशन देखने को मिल जाती है भाई। और अभी हम बढ़ते हैं गाड़ी के डिग्गी की तरफ, और अभी आपको गाड़ी के डिग्गी वगैरह दिखा देते हैं। कुछ डिग्गी खुली हुई है, तो अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ भाई। डिग्गी की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं ये तो आप डिग्गी की कंडीशन देख लें भाई, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की ये डिग्गी की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। मेन की पट्टी की बात करें, आप लोग गाड़ी की मेन की पट्टी की भी कंडीशन देख लें भाई, और बैटरी वगैरह देख सकते हैं आप लोग। और बात करें गाड़ी के चेसिस नंबर या टिकली वगैरह की, आप लोग वो भी देख सकते हैं भाई। और कुप्पे वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, जैसे कि आप लोग गाड़ी के कुप्पे की कंडीशन देख सकते हैं। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो मेहरान गाड़ी 2015 के मॉडल मैंने आप लोगों को दिखा दिए, गाड़ी की तफसीलात वगैरह भाई से ले लेते हैं। भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड वगैरह क्या है, और जो थोड़ी बहुत तफसीलात वगैरह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, गाड़ी मैंने दिखा दी 2015 का ये मॉडल है, डॉक्यूमेंट वगैरह सिंपल सीट से क्लियर है, हर चीज क्लियर है, हर चीज। घर की गाड़ी है? घर की गाड़ी है। एसी वगैरह वर्किंग में? वी एक्सेस में एसी नहीं आती। अच्छा, वी एक्स है, वी एक्स आर नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, पेट्रोल सीएनजी दोनों पे, सिर्फ पेट्रोल पर है? पेट्रोल पे सामान लगा हुआ है एसी का, ठीक हो गया। एक लीटर में कितना देरी हुई अंदाजा? 17 देरी है, 16-17 देरी आती है। बात करें गाड़ी का इंजन अपना? गाड़ी का इंजन अपना ओरिजिनल अंदर बाहर से पूरी, ठीक हो गया। और डिमांड क्या रखी आपने गाड़ी की? डिमांड यार 7-17 रखी है, दे देंगे भाई, दे देंगे जितने में भी। थोड़ा आपके रेफरेंस से आएंगे तो और ही कम कर देंगे, 7 भी दे देंगे, कमी बेशी हो जाएगी, अच्छी खासी। देख लें आप लोग। तो अगर वो है, ये है, ये है, वो ये गाड़ी अभी दिखाते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख के आ रहे हैं, और भाई को बता दिएगा भाई जमाल भाई के चैनल से देख के आ रहे हैं, तो भाई थोड़ा बहुत रेफरेंस से कमी बेशी कर देंगे। अपना नंबर शेयर कर दिएगा। 03042334158, मोहम्मद आफ्ताब नाम है। बोले लड़कियां देख के वो हो जाएंगी ना, तो वो लिख रही होंगी ना। 03042334158। आपका नाम? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब भाई, लोकेशन कहाँ की गाड़ी का मिल सकती है? सफूरा न्यू रिजिया, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आफ्ताब भाई की गाड़ी है, मैंने आप लोगों को नंबर भाई का बता दिया। अगर आप लोगों को गाड़ी समझ में आती है या पसंद आती है या डिटेल वगैरह चाहिए गाड़ी के हवाले से, आप भाई को कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हमारे पास 2010 के मॉडल की एक ओको में गाड़ी दिखा देता हूं। तो बढ़ते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ, आप गाड़ी के फ्रंट की कंडीशन देखना भाई। फ्रंट से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है। इंटीरियर वगैरह आप लोगों को मैं दिखा दूंगा अंदर से। लाइट ग्रिल की बात करें, तो आप लोग गाड़ी के फ्रंट की कंडीशन देख लें। और बात करते हैं गाड़ी के टायरों की, तो आप लोग गाड़ी के टायर की भी कंडीशन देख सकते हैं भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के ये टायर दिखने को मिल जाते हैं। और बढ़ते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ, और अभी आपको गाड़ी के मैं बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। बैक से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई, तो आप गाड़ी का बैक की भी कंडीशन देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की बैक की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं टायर दिखा देता हूँ, और गाड़ी के डोर भी दिखा दूँ।
तो अगर हम बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के डोर की भी कंडीशन देख लें। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख लें। और जो भाई लोग बोल रहे थे जमाल भाई ऑल्टो गाड़ी मिल जाए तो दिखा दिएगा, तो आप लोग ये ऑल्टो गाड़ी देख लें भाई, 2010 का ये मॉडल है। कोरे वाले भाई लोग देख लें, तो अगर आप लोगों को गाड़ी समझ में आती है तो आप लोग देख लीजिएगा, सीट्स वगैरह देख लें आप लोग। और बढ़ते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ, और अभी आपको गाड़ी की मैं बैक की भी सीट्स दिखा देता हूँ। तो आप लोग गाड़ी की बैक की भी कंडीशन देख लें पीछे से, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट्स देखने को मिल जाती हैं। और आप गाड़ी के डोर देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के डोर देखने को मिल जाते हैं। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग गाड़ी की सीट्स को देख सकते हैं भाई। तो बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। अच्छा, बात करें गाड़ी के कुपो की, तो आप लोग गाड़ी के कुपो की भी कंडीशन देख लें भाई। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की कुपो की कंडीशन देखने को मिल जाती है। मेन की पट्टी की बात करें, आप गाड़ी की मेन की भी पट्टी की कंडीशन देख लें। और अभी आप लोगों को गाड़ी की बैटरी वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो जो भाई लोग बोल रहे थे जमाल भाई और गाड़ी अगर मिल जाए तो वो दिखा दिएगा, तो ये गाड़ी भाई मुझे मिल चुकी है, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। मतलब थोड़ा बहुत रफ कंडीशन है, लेकिन कुछ भाई बोलते हैं जमाल भाई थोड़ा बहुत हो रफ कंडीशन पुराने मॉडल की हो, और अगर थोड़ा बहुत काम है तो दिखा दिया करें। तो अगर आप लोगों को समझ में आती तो आप लोग देख लेगा। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड क्या करना है। भाई जान जी, भाई जान भाई जान कौन सा मॉडल है गाड़ी? भाई 2010 है, ठीक है, 11 की रजिस्ट्रेशन है इसकी, ठीक है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, रिम इसके नए दिले में 6 महीने हुए, बॉडी सारी ओरिजिनल है आपके सामने ही, बाकी इसकी डिमांड है 7-65। कमी पेशी हो जाएगी थोड़ी बहुत अगर हमारे किसी भाई को पसंद आती है गाड़ी? 15-20 हज़ार रुपए, 25 हज़ार रुपए लोग कम करते हैं वो कर देंगे बस। अच्छा, ओपन लेटर पे बिल्कुल। अच्छा, डॉक्यूमेंट पूरी क्लियर है इसकी, ये इसका टैक्स नहीं भरा हुआ है, टैक्स मुश्किल से 2500-3000 रुपए होगा। वो आप करेंगे फिर या कंपनी? वही करेगा जो लेगा। अच्छा, वो वो ठीक है। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना नंबर बता दूं, 03152439108, मोहम्मद इलियास नाम है। लोकेशन गाड़ी कहाँ मिल सकती है? ये नॉर्थ कराची में आपको मिल जाएगी, क्योंकि 5 सीट। तो भाई ने गाड़ी के बारे में काफी तफसीलात वगैरह बता दी, नंबर भी दे दिया, अगर आप लोगों को गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी हमारे पास 2014 के मॉडल की होंडा सिटी गाड़ी आ चुकी है, और अभी आप लोगों को गाड़ी में दिखा देता हूं भाई गाड़ी हमें किस तरह से देखने को मिलती है। बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो आप गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें, लाइट ग्रिल आगे की कंडीशन से तो हमें गाड़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी दिखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं टायर दिखा देता हूँ, आप गाड़ी के टायर देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के टायर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाले टायरों की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे की टायर दिखा देता हूँ, बैक लुक वगैरह भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को भाई। अच्छा, आप लोग गाड़ी की ये ड्राइवर सेट की भी कंडीशन देख सकते हैं भाई, कुछ सेंस में गाड़ी के ड्राइवर सेट की कंडीशन देखने को मिल जाती है। बैक लुक वगैरह देखना गाड़ी का, और भाई लोग खड़े हैं वहाँ पे, तो अब उनको हटाना अच्छा नहीं लग रहा, तो खैर कोशिश करता हूँ, आप लोगों को नज़र आ गई होगी गाड़ी। और आप गाड़ी के डोर देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर और डैशबोर्ड की, तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख लें भाई, इंटीरियर डैशबोर्ड से तो हमें गाड़ी काफ़ी अच्छी दिखने को मिल जाती है माशाल्लाह से। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप गाड़ी की सीट्स देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट्स की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं पीछे की भी सीट दिखा देता हूँ, पीछे से मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा, पीछे वाली सीटों की बात करें, तो आप लोग गाड़ी के पीछे की सीट्स वगैरह भी दिखा दूंगा, और डोर देख लें आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाते हैं। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूं भाई, आप गाड़ी की पीछे की सीट्स देख लें, ये हमें गाड़ी की सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, उनसे पहले मैं आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम और गाड़ी की डिग्गी दिखा देता हूँ। तो डिक्की की कंडीशन में आप लोगों को दिखा दूं, जिससे ये डिक्की की कंडीशन आपके सामने। तो अभी बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ,
बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ भाई। अच्छा बैटरी वगैरह देखना आप लोग गाड़ी की, भाई बैटरी की कंडीशन देख सकते हैं खुद ही आप लोग। और आप लोगों को मैं कुप्पे दिखा देता हूँ, कुप्पों की कंडीशन देख लें। ये हमारे सामने गाड़ी के कुप्पे आ गए भाई। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है वो डिमांड क्या कर रहे हैं। अच्छा ये गाड़ी भी तला भाई की, मैंने आप लोगों को दो वैगनआर तो दिखा दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पर देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास सिटी गाड़ी है 2000 भाई, ये 2014 मॉडल की गाड़ी है, आपको सामने स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है, बिल्कुल चमकी हुई चमक भड़क के अंदर गाड़ी है, गाड़ी में काम कुछ भी नहीं है, बल्ले और चला है ठीक है। इंजन अपना है, थ्रू आउट पेट्रोल है, शहर के अंदर आपको एवरेज देती है इजीली 12 से 13 का, हाईवे के ऊपर 20 प्लस का एवरेज है, 20 प्लस का एवरेज है। डॉक्यूमेंट सिंपल से, टैक्स वगैरह से क्लियर है, एसी वगैरह वर्किंग में है, शील्ड है। अच्छा पेट्रोल सीएनजी, सीएनजी की बात, पेट्रोल पे सीएनजी नामो निशान तक नहीं है, नामो निशान तक नहीं है, एक तक नहीं है सीएनजी, क्या दूर दूर तक सीएनजी इसके बाद आई भी नहीं। ऐसा क्यों, सीएनजी को दूर क्यों कर रहे हैं, कोई खास रीजन? इंजन का बेड़ा खराब थोड़ी करवाना सर। अच्छा सीएनजी से वो सब ठीक हो गया, इंजन अपना है गाड़ी का, इंजन अपना, सस्पेंशन वगैरह से हर चीज ओके। डिमांड की बात करें तो गाड़ी की डिमांड रखी है 24.5 लाख रुपए, कमी पेशी थोड़ी बहुत हमारे रेफरेंस से 24 लाख में फाइनल दे देंगे, 24 में दे देंगे। अपना नंबर शेयर कर दिएगा 03442155181। आपका नाम? तलहा। तलहा भी लोकेशन? नॉर्थ कराची। तो ये वाली गाड़ी भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है भाई, अगर आप लोगों को गाड़ी समझ में आती है या पसंद आती है तो तलहा भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। दोस्तों अभी हमारे पास 2017 के मॉडल की वैगनआर गाड़ी आ चुकी है, उसके बराबर में एक और वैगनआर खड़ी हुई है, उसके बराबर में एक सिटी गाड़ी और उसके बराबर में एक सिटी गाड़ी, ये चार गाड़ियां एक भाई की हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चारों गाड़ी को कवर करूँ। तो बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें भाई, फ्लैट ग्रिल, आगे की कंडीशन हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं टायर भी दिखा देता हूँ भाई, आप गाड़ी के टायर देख लें कुछ इस तरह से, मैं गाड़ी के टायर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ भाई, बैक से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। तो बात करें गाड़ी के पीछे वाले टायरों की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे के भी टायर भी देख सकते हैं। और आप लोग गाड़ी के बैक की भी कंडीशन देख लें भाई, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की बैक की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डोर वगैरह दिखा देता हूँ, डोर से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। तो बढ़ते हैं गाड़ी के डोरों की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डोर दिखा दूँ। अच्छा बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के डोर की भी कंडीशन देख लें भाई, मैं सही से दिखा देता हूँ आप लोगों को। और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंटीरियर और डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। अच्छा इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें, तो आप लोग इंटीरियर और डैशबोर्ड को देख सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग गाड़ी की सीट देख लें। और बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाले डोरों की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के पीछे के डोर दिखा देता हूँ। अच्छा पीछे वाले डोरों की बात करें, तो आप गाड़ी के पीछे के डोर की भी कंडीशन देख लें भाई, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे के डोर देखने को मिल जाते हैं। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, आप गाड़ी के पीछे की सीट्स भी देख लें, पीछे की भी सीट्स हमें गाड़ी की काफ़ी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाती हैं। और अभी बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो भाई अभी हम बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो कुप्पों की बात करें, तो आप लोग गाड़ी के कुप्पों की भी कंडीशन देख सकते हैं भाई। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मेन की पट्टी दिखा देता हूँ। अच्छा मेन की पट्टी की बात करें, आप गाड़ी की मेन की पट्टी की भी कंडीशन देख लें, बैटरी वगैरह देख सकते हैं आप लोग गाड़ी की, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की बैटरी देखने को मिल जाती है भाई। तो आप गाड़ी के बोनट भी देख लें। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो ये भी गाड़ी तला भाई की है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये पूछते हैं तला भाई से गाड़ी की क्या तफसीलात वगैरह। तला भाई ये कौन सा मॉडल है? यार ये 2017 मॉडल है VXR, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है कंपनी के नाम पे, और इसका इंजन अपना है, गाड़ी का कोई इंजन चेंज नहीं है, थ्रू आउट पेट्रोल पे चली हुई गाड़ी है, कभी सीएनजी नहीं लगी, नए टायर देने में गाड़ी में ठीक है। और ये आप ये समझे इस गाड़ी में हमने सेल लगा दी है, ये जिस पैसों में दे रहे हैं, जिसमें काम करने वाला खरीदता है ना गाड़ी, क्या इसमें हम खरीद के दोबारा पैसे कमा लेंगे ठीक है, तो उस पैसों में आज गाड़ी दे देंगे आप लोग ठीक हुआ। अच्छा बात करें डॉक्यूमेंट से, टैक्स वगैरह चीज से क्लियर है, कोई लोचा नहीं है, लोग समझे कहीं के लोचे की वजह से सेल लगाई हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी क्लियर, गाड़ी में सेल लगाई हुई ठीक हो गया। अच्छा बात करें गाड़ी का इंजन वगैरह अपने, हर चीज अपनी है। एक लीटर में कितना दे रही है अंदाजा? एक लीटर में शहर में देती है 17-16 इजीली ठीक हो गया। डिमांड की बात करें, डिमांड क्या रखी आपने? इस गाड़ी की डिमांड रखी है 16.5 लाख रूपए, 16.5 लाख, कमी बेसी थोड़ी बहुत 16 लाख में फाइनल दे देंगे, 16 लाख में फाइनल दे देंगे ये अपना।
डिमांड आपने बता दी, अपना नंबर शेयर कर देगा। 03442155181। आपका नाम? तलहा। लोकेशन? नॉर्थ कराची। तला भाई की गाड़ी है, ये भी गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है भाई। अगर आप लोगों को गाड़ी समझ में आती है, ये पसंद आती है, तो तला भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। यहाँ पे वीडियो एंड होती है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।